हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट, और हम मार्केट जा रहे हैं किस लिए? वो जो मैडम पीछे बैठी है उसका नोज पियर्सिंग कराने। हाँ, है क्या घर में है ना, कर देता सुए था, छेद छेद तो मारना था। हाँ, कुछ भी मतलब। तो गाइस, इसकी नोज पियर्सिंग करा के लाएंगे, मैं बढ़िया कर दूंगा। और हम जाएंगे बुटीक पे अपने कपड़े डालने। मैं पिछले दिन मना छेदनिया था, अब हम शादी के कपड़े डालने जाएंगे। मतलब यार, कुछ भी बकवास करते रहते हो आप दोनों। फैन दुखा, तू शर्त लगा, दो मिनट लगाऊंगा मैं। किस चीज की? ये नाक छेदन का। मैं तुम्हें ये जड़ा वो की डाला छेद दू, जड़ा तुम बीच में था। ओह माय गॉड, कुछ भी हो सकता आपका। एक तो पता है घर की घर में बड़ा जाके मैं 150 रुपये देखोगी। 150? कि फ्री में आएगी इतनी महंगी? मतलब 10 रुपए में हो जाएगी कुंज भाभी। हाँ, लगभग 30 रुपए में। 30 रुपए जो वेनी बैठे रहते हैं बाहर रोड पे चप्पल जूते काटने वाले, दे उनके दौरे भी क्यों जा। मैं घर की घर में मैं कर रहा हूँ, वैसे बता रही हूँ अपने यहाँ की। ना ना, अपने वहाँ की क्यों, हम ऐसे करेंगे। लेकिन जन देख तेरा घर आ गया। तो गाइज, आज का व्लॉग इतना मजेदार होने वाला है ना, तो मुझे इतनी सुपर एक्साइटेड हूँ मैं कुंजन की नोज पियर्सिंग के लिए। इसके एक्सप्रेशन देखे कि कैसे होंगे मजेदार आपके हिसाब से। देखते हैं, घर की गर्म हो जाता तो चलते हैं बस पहुंचने वाले में, फिर देखते हैं कुंजन के एक्सप्रेशन। यार आपकी ये बता भैया, तू इधर मैं अच्छी लगती जब मैं तो घर की गर्मा करूं मैं। हाँ, तुझे मैं अच्छी ना लगती तो बता। एक छेनी देगा तोड़ा, देख भाई का छेनी है तोड़ा। छेनी कौन सी होती है, वो जैसे दीवार फोड़ते हैं? हाँ, छेनी छेनी लगा कर तोड़े ना मारते। मुझे उसके ऐसे अभी यही हो जाएगी लड़ाई। मुझे दोनों बाहर पटक के गाड़ी में से मुझे अपनी थार खुद ही लेके जानी पड़ेगी। इतने अच्छे क्या लड़ोगे तो फिर यही होगा। हम दो, हमारी को वो ज्यादा है। क्या चाहता है? हमारी बोट ज्यादा है, ध्यान फिर दो तो एक को इधर से कौन ही मारूंगी, एक को इधर से मारूंगी। बताइए, सोचना आसान होता। यहाँ दो जने हैं, दो जने। एक तुम्हें एक फोन घुमाऊंगी, मैं पापा ही लड़ रहे हैं, मैं बगा के आया। चल, देख तू बचा लेगी, मार दे। नर हेड तो कह रही तो फोन है मेरा, तो मैं पकड़ूंगी फोन में अपने आप खोज लो। फोन गेरा गाड़ी में, ये नीचे तारी। अच्छा, मतलब मेरा इलाका है ये, मत बोलो। फिर तो कोई परेशानी ना, मेरा ये इलाका। फिर एक काम करे ले तू, पोच का दिखा घर ना। फिर ओ, ये एक ही फोन घुमाऊंगी बस मैं पापा। फोन कहाँ है? फोन है कहाँ? फोन कहाँ है? एक्सक्यूज मी, मैं अभी विंडो से ही मांग लेना, आपको ही लाना है। तो यार फोन तो कोई भी दे देगा ऐसे इमरजेंसी के लिए। तो चलो ठीक है, मुझे आप यहाँ छोड़ जाओगे, फिर आप नहीं सोचो पापा घर जाके फिर क्या होगा आगे की। आगे ही बताओ, आप बताओ। चलो आगे ही बताओ। आगे? हाँ। बापू बड़े छोड़िया। दे दिया मेजरमेंट, अब चलते हैं इसकी नोज पियर्सिंग कराने, देखते हैं। तो बंद हो गई नाक भी 90%। ये पहले हो तो रही है आपकी? हुई थी एक बार हुई थी पहले। वो सही थी जगह? अंकल ये थोड़ा नीचे नहीं हो जाएगा? ज्यादा नीचे मेरा देखो ना, आपके में ना, आप अगर नोज रिंग पहनोगे तो आप नहीं पहन सकते, बहुत ऊंचा है आपका।
नोज रिंग पहनोगे ना तो आप नोज रिंग नहीं पहन नहीं पहन लेती हूँ मैं पहन लेती हूँ बहुत बड़ी नोज रिंग आती होगी आपको छोटी नॉर्मल सी होती है आ ही नहीं सकती छोटी ये तो बहुत नीचे अजीब सा नहीं लग रहा है आप लगाओ निशान अंकल बात तो लगाने की कोशिश कर रहे थे बैठ जाओ दो मिनट बैठ जा कुंजन कैसे फील हो रहा है चलो वो सच में दिखाने में हाँ ये ठीक लग रहा है अब अगर गन होती ना तो गाइस फाइनली नोज पियर्सिंग हो गई कुंजन क्या बोल रही है मतलब काफी अच्छा लग रहा है उसको का काफी मन था इतने दिनों से हम सोच रहे थे गन से करा ले फिर वो अंकल बोले कि हाथ से ठीक रहेगा तो फिर हाथ से करा लिया तो अब चलते हैं अब घर पे जाके देखते हैं सबके रिएक्शंस कैसे होते हैं मिलते हैं थोड़ी देर बाद तो गाइस हमारे पिल्लो का फूड भी खत्म हो रहा है उनके राइस और वो मंगोड़ी वाले तो बच रहे हैं राइस खत्म हो रहे तो वो वाले ले लेते हैं फिर अब चलते हैं घर पे प्रसाद लेना ही हाँ आज मंगलवार है आज प्रसाद भी लेना है यार मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है दे गोलगप्पे ना खा वो तो मुझे पता थी नहीं खाते हाँ जी तो गाइस चलो चलते हैं अब घर बिना गोलगप्पे खाए वैसे मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है कोई ना कर रहा है रहने दे मन का तो क्या है बस मेरा सच में बहुत ज्यादा मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का मतलब आप गोल पानी पूरी आई भगवान वो नहीं खिला सकते मुझे नहीं यार मैं नहीं खिला सकता यार कोई नहीं तो ठीक कट तो घर चलते हैं अब घर चलते हैं फिर पापा को बताते हैं सारी बातें फिर मिलते हैं तो गाइस ये हो गया हमारा मंगलवार का प्रसाद तो प्रसाद ले लिया अब ये गए हैं ड्राई क्लीन के कपड़े डालने ड्राई क्लीन कपड़े भी लाए थे अब ड्राई क्लीन कपड़े डाल दिए हैं अब जाएंगे हम घर पे तो फिर देखते हैं अब चलते हैं यार बहुत लेट हो गया वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है हो जाएगा अगर थोड़ी और देर रह गए तो गाइस अब हम आए हैं अब मैं आके अपना फटाफट बर्तन साफ कर दिए मैंने मतलब आके बर्तन साफ कर दिए दूध निकल गया था क्योंकि बहुत लेट हो रहा है 6:30 हो गए हैं आज मतलब थोड़ी देर पहले आए थे हम तो चावल ले आए ना अपने पिल्लो के लिए तो उनके चावल भी बने रख दिए दूध गर्म होना रख दिया इतने वीरों भी कि माँ जी प्रसाद चढ़ाए मंदिर में ऊपर अब मैं सोच रही क्या सब्जी बनाऊँ यार रोज रोज सुबह दाल बना लेती अब मैं सोच रही आलू बना लेती हूँ आलू मटर बना लेती हूँ मटर भी रखी हुई है और आज बनाते हैं फटाफट वाली रेसिपी वो कैसे एक साथ छोंक के तो मैं देखते हैं फटाफट सारी मिक्सी में तो गाइज आज मैंने खुद को चैलेंज करा है कि मैं 30 मिनट्स में सब्जी भी बना दूंगी और आटा भी लगा दूंगी और अपने जितने भी मतलब किचन है पूरी साफ कर दूंगी उसको बर्तन वर्तन पहुँचाने में तो देखते हैं मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती अभी हो गए हैं 6:30 फिर देखते हैं तो गाइज फाइनली 7:06 हुए हैं और सारा हो गया बस बर्तन हो गए अब काम करे तो बर्तन हो गए 2-4 अदरवाइज मेरा सारा काम फिनिश हो गया तो चैलेंज मेरा हो गया बस थोड़ा लेट था तो अब 7:30 तक कर के देखती हूँ मतलब खाली पड़े पड़े कैसे टाइम पास करते थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ यहाँ पे बैठती हूँ वहाँ पे बैठूँगी तो वीर मेरे शेप हो जाएगा अगर अंदर गई तो रूम में तो मैं अब 7:06 हो रहे हैं 7:10 तक ऐसे बैठी रहूँगी फिर 7:10 पे जाती हूँ अंदर फिर अपना करूँगी काम तो देखते हैं गाइज अब चलते हैं फिर गाइज ये मेरी बोतल भी की ले ली रात को उठता है ना फिर मतलब सो के उठता है बीच रात में उसे पिला दूध फिर वो क्या करता है बेड की परली तरफ देखता है कि जैसे कुछ पानी दूध रखो मम्मा दूध दूध तो ले आई आज उसका दूध बस वीर को वीर की बुआ ला रही है इतने में लाइट्स ऑफ करके चलती हूँ अंदर तो गाइस आज का व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे अब मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो थैंक यू बाय बाय